आइए हम देखते हैं वाटर एटीएम का कनेक्शन कैसे करते हैं, इसको एसवी और फ्लो सेंसर को हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको मशीन को मशीन के पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने के बाद आपको इसका डोर ओपन करना है। याद रखें, जब आप कनेक्शन कर रहे हो मशीन में आप पावर ना दें, पावर ऑफ होना चाहिए जब आप कनेक्शन दे रहे हैं। इससे आपको शॉक लगने का डर नहीं रहता है और मशीन को डैमेज होने का चांस नहीं रहता है। और ये आपका कनेक्शन डायग्राम है जो आपको हर मशीन के डोर पे मिलता है और ये आपको मैनुअल के सेकंड पेज पे भी मिलेगा। जो इसका डायग्राम है, कनेक्शन डायग्राम, आपको कनेक्शन कैसे कैसे करना है। कनेक्शन करने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है और एक कटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है, अगर वायर छोटा हो या बड़ा हो तो उसको स्लीव को रिमूव करने के लिए। तो कनेक्शन, ये सेम जो कनेक्शन डायग्राम है, ये यहाँ पे जो कनेक्टर्स है यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। जो यहाँ पे SV1 लिखा हुआ है, यहाँ पे PCB में भी आपको SV1 दिखाई देगा, यहाँ पे SV2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको PCB में भी SV2 दिखाई देगा, यहाँ पे SV3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी SV3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, PCB में भी SV4, इसी तरह FS1 लिखा हुआ है, FS2 लिखा हुआ है, FS3 लिखा हुआ है, FS4 मतलब फ्लो सेंसर। और ये कॉइन है जो यहाँ पे आप कॉइन वैलिडेटर को कनेक्ट कर सकते हैं। कॉइन वैलिडेटर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो कनेक्टर है, यहाँ पे आपको कॉइन 1 और कॉइन 2 लिखा हुआ है। कॉइन 1 में आप फर्स्ट वैलिडेटर को कनेक्ट करेंगे, कॉइन 2 में आप सेकंड वैलिडेटर को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ ये जो कनेक्शन है, यहाँ पे आप बैटरी का कनेक्शन करेंगे। अगर आप बैटरी को लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप बैटरी कनेक्शन करेंगे। और ये आपको SMPS का कनेक्शन है जो 12 वोल्ट देता है और ये आपका आउटपुट है AC रिले को ऑन करने के लिए। यहाँ पे आप AC पंप को कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। AC इनपुट 230 वोल्ट, यहाँ पे आप डायरेक्ट ये AC पंप को अप टू 1 HP के पंप को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हर मशीन में एक येलो वायर यहाँ पे आ रहा है जिसको आपको या तो यहाँ से कट करना है और या फिर इसको रिमूव करके डायरेक्ट आप यहाँ पे इस तरह से फ्लोटी लगा सकते हैं, जिससे जब भी पानी ख़त्म होगा तो मशीन ऑटोमेटिक आउट ऑफ ऑर्डर चला जाएगा और जो भी कस्टमर्स होगा वो इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो अभी हम 1 by 1 एक एक SV को कनेक्ट करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आप SV1 को कनेक्ट कर रहे हैं, SV1 में आप SV लगा रहे हैं, तो आप फ्लो सेंसर भी FS1 में ही लगाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कनेक्शन करने के टाइम में। अगर आप FS2 में लगा देते हैं तो ये मैच नहीं होगा और मशीन काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप SV2 को लगा रहे हैं तो आप फ्लो सेंसर भी FS2 में ही लगाएंगे। FS4 में लगा रहे हैं तो SV4 में लगा रहे हैं तो FS4 में लगाएंगे। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और प्लस माइनस और पी को भी आप ध्यान से कनेक्ट करना है। इसमें जो फ्लो सेंसर में कभी भी रेड वायर आता है, येलो वायर आता है, ब्लैक वायर आता है। जो रेड वायर होता है वो पॉजिटिव होता है और ब्लैक वायर होता है वो नेगेटिव होता है। और जो येलो वायर और ग्रीन वायर, यहाँ पे 2 कलर के वायर आपको मिल सकते हैं, वो कभी भी आपको पल्स यानी पी पे आपको कनेक्ट करना है, चाहे वो FS1 हो, FS2 हो, FS3 हो, FS4 हो, आपको चारों जगह इसी तरह से कनेक्शन देने हैं। और आपको कनेक्शन देने के लिए अपना अकॉर्ड पावर की मशीन के साथ आपको ऐसा एक SV फ्लो सेंसर का सेट मिल जाएगा। अगर आप जितना टैब आप कॉम्बो 1 ले रहे हैं या डिवाइस 1 ले रहे हैं, आपको 1 सेट मिलेगा। कॉम्बो 2 और कॉम्बो डिवाइस 2 के साथ ऐसा 2 मिलेगा। 4 के साथ आपको 4 SV और 4 फ्लो सेंसर ऐसा कनेक्ट होके मिल जाएगा ऐसा वायर के साथ, जिसपे आपको क्लियरली स्टिकर भी लगा होगा कि ये जो 2 वायर है आपको SV में देना है और ये जो 3 वायर है आपको फ्लो सेंसर में देना है। तो अभी आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से और सेम डायग्राम के जैसा जो ग्रीन वायर दिखाया हुआ है
वो ग्रीन वायर की जगह और जो ब्लू वायर दिखाया हुआ है वो ब्लू वायर की जगह पे आपको इसको कनेक्ट देना है। यहाँ SV1 में हम स्क्रू को थोड़ा लूज कर रहे हैं, दोनों स्क्रू को, और इस वायर को आप यहाँ इस होल के पीछे से निकालेंगे जिससे आपको डोर बंद करने के लिए कोई मुसीबत ना हो। इस डोर को यहाँ होल से आपका वायर आराम से निकल जाएगा और फिर आप डोर को ओपन कर सकते हैं। ये ब्लू वायर हम पहले कनेक्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सुला देंगे तो जिससे हम थोड़ा आसानी से कनेक्ट कर सकें। इस तरह से आप इसको कनेक्ट करेंगे। कॉइन बॉक्स को आप साइड में कर सकते हैं जिससे आसानी से आपका कनेक्शन हो पाए। इसको ध्यान रखें, आप स्क्रू को एकदम टाइट कर दें जिससे आपका वायर बाहर ना निकले, नहीं तो इस तरह से आपका वायर बाहर निकलेगा और SV काम नहीं करेगा। इसको अच्छे से प्रॉपर पहले पूरा ओपन करें और ओपन करने के बाद ये वायर को पूरा अंदर डालें। अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर दें इस तरह से, तो ये वायर आपका अच्छे से परफेक्ट कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आप ग्रीन वायर को कनेक्ट करेंगे। इसको ये ध्यान रखें, इसको प्रॉपर पहले पूरा लूज़ करें, लूज़ करने के बाद वायर को अंदर डालें जिससे वायर पूरा अच्छे से अंदर चला जाए और फिर इसको पूरा टाइट कर दें। फिर हम फ्लो सेंसर के वायर्स को कनेक्ट करेंगे जो ब्लैक कलर, येलो कलर और रेड कलर में है, जैसे हमने पहले बताया था। अभी हम इस स्टिकर को निकाल सकते हैं। जो रेड कलर का वायर है वो आप पॉजिटिव में डालेंगे जहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है या फिर आपको प्लस का निशान मिलेगा। प्लस का निशान मतलब पॉजिटिव होता है। सेम इसी तरह आप स्क्रू को पूरा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद इसको कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रहे स्क्रू परफेक्टली टाइट हो, नहीं तो ये कनेक्शन नहीं होता है, निकलने का चांस ज़्यादा रहता है। देन येलो वायर जो पल्स के लिए काम में आता है, इसको आप जहाँ पे पल्स लिखा हुआ है वहाँ पे आप इसको कनेक्ट करोगे। ये कॉपर को अच्छे से आप ऐसा राउंड कर सकते हैं जिससे वायर इजीली अंदर चला जाएगा। और इसको परफेक्टली टाइट कर दीजिए। ये ब्लैक वायर जो आप माइनस में डालेंगे, तो ये हमारा सिंगल SV और सिंगल फ्लो सेंसर परफेक्टली कनेक्ट हो गया है। ओके, ये आपका SV है, ये फ्लो सेंसर है। इसी तरह से आप SV2 को कनेक्ट करेंगे, SV3 को कनेक्ट करेंगे, SV4 को कनेक्ट करेंगे और फ्लो सेंसर 2 को कनेक्ट करेंगे, फ्लो सेंसर 3 को कनेक्ट करेंगे और फ्लो सेंसर 4 को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप डोर को बंद कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप AC पंप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप पंप का कनेक्शन देंगे। इसको यहाँ से ओपन करना है, पंप का दोनों वायर यहाँ पे डालना है और ये आपका कनेक्शन हो जाएगा।
और ये आपको यहाँ पे आपको कॉइन वैलिडेटर को कनेक्ट करना है। नॉर्मली ये कंपनी से कनेक्ट होके आता है, बट अगर आपको निकालना पड़े तो यहाँ पे ये ब्लैक वायर, ये वाइट वायर और ये येलो वायर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पल्स को काउंट करता है। और यहाँ पे आप अगर सेकंड कॉइन वैलिडेटर लगा रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड कॉइन वैलिडेटर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे, बैटरी के लिए हमने फ्यूज़ भी दिया है इसको प्रोटेक्शन के लिए। ये 12 वोल्ट SMPS का यहाँ पे जा रहा है, जो 12 वोल्ट सप्लाई इनपुट जाता है, यहाँ से ये 12 वोल्ट आउटपुट आता है और 230 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू।